झारखंड बीजेपी अब राज्य के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। यही वजह है कि पार्टी अब राज्य में बड़ा फेरबदल कर सकती है। खासकर आदिवासी समुदाय को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसकी चर्चाएं भी अब जोरों पर हैं। दरअसल बीजेपी में साफ सुथरी छवि के कद्दावर नेता सरयू राय का साथ छोड़ना बीजेपी को पिछली बार महंगा पड़ गया। सीएम के रूप में गैर आदिवासी चेहरा रघुवर दास से आदिवासी मूलवासी समाज को तो पहले से ही चिढ़ थी। सरयू राय का टिकट काटने में उनकी भूमिका ने पार्टी के भीतर ही उनके कई दुश्मन खड़े कर दिए। नतीजा ये हुआ कि पार्टी तो हारी ही, रघुवर दास भी अपनी सीट तक नहीं बचा सके। उनको हराने वाला भी विरोधी दलों का कोई नेता नहीं, बल्कि टिकट कटने पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सरयू राय ने ही उनकी खाट खड़ी कर दी थी। तब से दोनों के बीच अनबन बनी हुई है। बीजेपी के ही लोग बताते हैं कि सरयू राय के टिकट कटने से लेकर उनकी वापसी बीजेपी में ना हो पाने के लिए रघुवर दास ही जिम्मेदार हैं। राय के बारे में अक्सर अटकलें लगती हैं कि वे बीजेपी में लौट रहे हैं। निर्दलीय विधायक सरयू राय अक्सर कहते हैं, मैंने बीजेपी छोड़ी है, नीति और सिद्धांत वही है। बीजेपी के बड़े नेताओं से अब भी उनके ताल्लुकात हैं, आरएसएस के लोगों से उनके पहले जैसे ही संबंध हैं। झारखंड में अगले साल लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। पार्टी में कोई हलचल नहीं दिख रही। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जल्द ही कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बदलने वाली है। झारखंड में भी अध्यक्ष बदलने की चर्चा जोरों पर है। सरयू के बारे में लग रही अटकलों में अगर सच्चाई है तो इसमें अब और देरी होने की संभावना नजर नहीं आ रही। अगस्त तक पार्टी की गतिविधियां बढ़ जाएंगी।